आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन वी हैव हियर इज, व्हिच काइंड ऑफ पिरामिड विल बी ऑब्टेन्ड इफ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें किस टाइप का पिरामिड ऑब्टेन होगा जिसमें स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो भी लोअर ट्रॉफिक लेवल की किसको सपोर्ट कर रही है, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, अब स्टैंडिंग क्रॉप की यहाँ बात हो रही है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होते हैं? तैयार जैसे किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में उसका बायोमास कितना है, दैट डिफाइंस द स्टैंडिंग क्रॉप। अब एक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल हम लेते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स लिए। प्रोड्यूसर्स में हमने क्या लिया, हमने एग्जांपल एक्वेटिक प्लांट्स का, ठीक है। अब ये है हमारा लोअर ट्रॉफिक लेवल और इसका बायोमास जो है इसका स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप, यानी स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप इसका एक इतनी सी जगह पर हमने, सपोज इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर एरिया पर इतने प्लांट्स हैं। और हायर ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें तो हायर ट्रॉफिक लेवल पर हम ले रहे हैं zooplanktons और अदर सच ऑर्गेनिजम्स जो इन पे फीड करते हैं। अब zooplanktons की जो नंबर है वो नंबर में काफ़ी कम है as compared to producers, हमारे aquatic plants, ये नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, there are n number of aquatic plants, लेकिन zooplanktons limited हैं। तो इनका यहाँ पर बात हो रही है large standing crop of higher trophic levels, suppose 10 centimeter में जितने zooplanktons आते हैं, जितना zooplanktons का बायोमास है वो सारा एक 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूसर एरिया पर, एक्वेटिक प्लांट एरिया पर, उनके स्टैंडिंग क्रॉप पर फीड हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर मीनिंग बाय, बट दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मीन्स बाय स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे पिरामिड कैसा बनेगा? तो पिरामिड जो है यहाँ पर ऐसा बनेगा कि प्रोड्यूसर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, उनका बायोमास ज़्यादा है, स्टैंडिंग क्रॉप ज़्यादा है, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, zooplanktons हैं, वो कम हैं। सो इट इज़ एन इन्वर्टेड पिरामिड एज वी कैन सी, एंड दिस इज़ द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।